सुनीता किचन में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए कच्चे आलू के लच्छे की क्रिस्पी कटलेट बनाने जा रही हूँ। इसकी रेसिपी इस प्रकार है, आइए देखिए। ये मैंने चार आलू लिए हुए हैं, चावल का आटा, कॉर्नफ्लोर, बेसन, हरा धनिया और इसमें हरी मिर्च है। यहाँ पे मैंने सौंफ लिए और कुछ चाहिए नहीं मैसेज। ये लाल मिर्च, नमक और अमचूर पाउडर। इस तरह से हमने आलू को छीलकर कद्दूकस कर लिया। इस तरह से इसके हमने लच्छे बना लिए आलू के, और आलू को हमको ठंडे पानी में क्रश करके रख देना और उसमें थोड़ा सा नमक मिला के हमको 10 मिनट के लिए इसको रखना। इस तरह से इसका सारा पानी हमको बाहर निकाल देना है। इस तरह से इसका सारा पानी निकल गया। अब हमको इसको अच्छे से इसको निचोड़ लेना है ताकि इसमें पानी मॉइस्चर बहुत ही कम रहे, ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। इस तरह से हमको निचोड़ के एक बाउल में हम डाल लेंगे। अच्छे से इसको निचोड़ना है। ये देखिए इसमें कितना पानी निकला, और ये वाइट वाइट जो होता है वह हमारे आलू का स्टार्च होता है। इस तरह से हमने सारे आलू को निकाल लिया है। आइए इसमें मसाले मिलाते हैं। हम सबसे पहले इसमें मिलाएंगे हम चावल का आटा, 2 चम्मच चावल का आटा। ये 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर है, अरारोट भी आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप पोहा पीस कर डाल सकते हैं। 1 चम्मच बेसन, ये मेरे पास अजवाइन और सौंफ, धनिया, हरी मिर्च, एक छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च और स्वादानुसार नमक। मिर्च भी आप अपनी स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो उस तरह से डालिए आप। और इस तरह से सारे मिश्रण को मिला लेना है। ये देखिए इस तरह से हमारा ये एक बैटर तैयार हुआ है। आपको हाथों में इसको लेकर देखना है इस तरह से इसकी बॉल बन रही है या नहीं बन रही। अगर इसकी बॉल नहीं बन रही है तो आपको इसमें थोड़ा सा अरारोट का आटा इस तरह से और मिला लेना है ताकि ये अच्छे से बन जाए। ऐसे हाथ से आपको इसको प्रेस करना है और इस तरह से हमें सारे कटलेट वो बना लेना है। इस तरह से हमारे कटलेट बन गए, इन्हें हमें फ्राई करना है। तीन से चार कटलेट हम एक बार में इस तरह से फ्राई कर सकते हैं और इसको हमें ब्राउन सा अच्छे से करना है कलर इसका, ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। तो लीजिए आपके आलू लच्छा कटलेट बनकर के तैयार है। आप इसे खाइए और बताइए आपको ये कटलेट कैसे लगे। इसी तरह से आप इन कटलेट को आप इस तरह से भी खा सकते हैं, सैंडविच की तरह ब्रेड में लगा करके। दोनों चटनी लगाइए, टमाटर प्याज लगा करके आप इसे खाइए। मेरी इस रेसिपी को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।